खिचड़ी का बिरयानी के नाम पे सब खाते पुलाव, असल बिरयानी खाने का है तो हैदराबाद दुबई। आते आते सफर की वजह से सिर में दर्द हुआ तो ईरानी सूरा लेके आजा, हम सब साथ में खेल करेंगे गल्ले। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और अभी जा रहे हैं एकदम फटाफट, तैयार हो गए, मस्त वीकेंड वाला है। तो शिवाकांत भाई एक है, अपने मित्र हैं, तो उन्हीं के साथ जाना है। चारमीनार है, चारमीनार का कुछ वीडियो वगैरह शूट करेंगे, फिर रोहन से मिल लेंगे, हर्ष भैया से मिल लेंगे, तो सबसे मिलते हुए जाएंगे वहाँ पे। और अभी मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं कि क्या प्लान है, बट लेकिन वहाँ पे जाकर ना कुछ क्राउड वगैरह जो है ना वो कैप्चर करेंगे और मस्त और प्यारा सा वीडियो बनाने वाले हैं। तो हम लोग जाते हैं जल्दी से, और यहाँ पे अपनी बाइक रेडी हो गई है, तो फटाफट हम गोप्रो में स्विच कर लेते हैं। जय श्री महाकाल गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर। तो एक्चुअली में क्या हो रहा था कि शिवाकांत भाई है जो है ना, बहुत दिनों से मतलब मेरे को मैसेज कर रहे थे कि मिलना है, कुछ करते हैं, क्योंकि जब तक दो कंटेंट क्रिएटर मिलते नहीं तब तक कुछ अलग सा होता नहीं है। तो फिर मतलब मेरे तरफ से ही पेंडिंग हो रहा था। मेरा क्या था ना कि हर वीकेंड में कहीं ना कहीं कुछ हो जा रहा था, प्लान इधर जा रहे थे तो मिल नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज वाला जो वीकेंड है ना, मैं सोच लिया था कि इस वीकेंड को ना मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और पूरा टाइम जो है ना शिवाकांत भाई को देंगे। तो वहीं हम जा रहे हैं, 3 बजे का टाइमिंग है मिलने का। तो हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे आधा घंटा, क्योंकि यहाँ से चार मीनार वाले जो रूट है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उस वाले रूट में। रोहन है ना हर्ष भैया के घर पे है, तो वहीं पे जाते तो हर्ष भैया से मिल लेते हैं, रोहन से मिल लेंगे और रोहन से पूछेंगे, रोहन अगर चलता है तो रोहन को भी पिक कर लेंगे, हर्ष भैया को भी फुल पावर एंजॉय करते हुए वहाँ से। तो भाई तो फाइनली हर्ष भैया के घर पहुँचने वाले हैं, उनके एरिया में आ गए हैं। और ये जो मंदिर है ना, ये बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे। तो नई नई गाड़िया का पूजा होता है, सुबह सुबह आकर पूजा कर सकते हैं बजरंग बली का, यहाँ पे मस्त मंदिर एकदम। तो जल्दी से पहुँचते हैं यहाँ से, मुश्किल से 10-15 सेकेंड लगेगा मेरे को यहाँ से पहुँचने में। तो लो भाई फाइनली पहुँच गए हैं, हर्ष भैया के घर के बाहर में आ गए हैं। रोहनवा कहाँ है, रोहनवा को बुला लेते, नहीं तो डुग्गू मेरा हालत ख़राब कर देगा। रोहन को कॉल कर रहे हैं, रोहन आ जा बाहर। तो रोहन आ रहा है बाहर फाइनली। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बी अवेयर ऑफ डॉग। कहाँ है डुगुआ, डुगु कहाँ है? हाँ हाँ डुगु यहीं पे है। अरे भाई वो तो कूद जाएगा मेरे पे, अरे बाप रे बाप, बवंडर मचा देगा रे रोहन, पूरा मेरा ये वाइट वाइट हो जाएगा। ना डुगु नहीं, डुगु नहीं, डुगु भाई हेलमेट खोल ले रहा हूँ मैं। हाँ डुगु नहीं, हर्ष भैया कहाँ है? डुगु नहीं, डुगु नहीं, ब्लैक है वो पूरा, काला है, सादा हम सादा सादा हो जाएंगे फिर हम ना। डुगु ना, डुगु ना, डुगु ना, बंद कर दे। और कौन इधर से? डुगु नहीं, इसको बांध, उस सिगार बांध दो ना। नहीं डुगु, डुगु नहीं, नहीं छोड़, कुछ जगह जैसे छोड़ेगा तो। डुगु नहीं, इसे बैड है, वेट डुगु तुझे बैड है, वेट छू दे क्या थोड़ा सा, छू दे क्या, छू ले ना थोड़ा। चल ना चल, तो कूद जा, यही आदत खराब है डुगु का। कपड़े मैंने पूरा ना, जगह जाना है चार मीनार शूट के लिए, डुगु बाद में। चिल करा था तू, तेरा पूरा चिल कर दिया वो। मैं तो और काला है भाई, कहाँ हर्ष भैया को बुलाते हैं। A few moments later. तो भाई पहुंच गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए धनतेरस का मिठाई यहाँ पे हर्ष भैया लेकर एकदम फुल पावर में। हर्ष भैया भी जस्ट सो के उठे अभी, अभी फुल पावर में, ये मस्त मस्त है। तो खाते हम लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे। रोहन जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, रोहन रेडी हो रहा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे चार मीनार के लिए। हर्ष भैया शाम को मतलब उधर से लौट कर आएंगे ना, तब फिर कहीं जाएंगे, प्लान वगैरह है। तो हम लोग हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते, फिर नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे। तो रोहन क्या बोलता है, इसने अभी पेट तो भरा है, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ट्राई करेगा, झूठ बोलता है हर्ष भैया, देख रहे हैं, बोला थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो मैं तो लोग खाना खाते फिर निकलते हैं। A few moments later. बाय बाय हर्ष भैया, आते हैं शाम को हम लोग आपको रिसीव करने, ठीक है? तो बढ़िया मस्त खाना वाना हो गया भाई, हम लोग निकलते जल्दी से, तो पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने को चार मीनार जाना और पता नहीं चार मीनार में कितना ट्रैफिक होगा। भाई आंटी, रोहन मैप लगा लेना किधर चलना अपने को। वही जाने के लिए निकले, बट इतना ज़्यादा क्राउड है ना, भोकाल वाला भीड़ है यार, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है ना और भीड़ बहुत ज़्यादा है।
तो समझ में नहीं आ रहा किधर से जाएंगे। दो रोड दिखा रहे, एक मियाँपुर रोड दिखा रहे, एक लिंगमपल्ली वाला। ओहो दूर दूर तक भीड़ है भाई। और इधर क्या ना थोड़ा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसके वजह से ना कि गाड़ी थोड़ा स्लो चल रही है और लंबी जाम लगी हुई है यहाँ से लेके आगे तक पूरा एकदम खतरनाक वाला। तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं सबके बीच से निकलने का कि जहाँ भी स्पेस मिल रहा है वहाँ से निकल जाए और जितना जल्दी हो सके पहुँच जाए 4 बजे तक, क्योंकि शिवाकंद भाई को बोले हैं कि 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो गया तो सॉरी मेरे भाई, क्योंकि ट्रैफिक है उसको कुछ नहीं कर सकते। और गाइस ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए भाई आज पता नहीं आज क्या ही है जो इतना ट्रैफिक है, समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी अभी तक है ना गाड़ी है ना 40-50 से ज़्यादा चला ही नहीं पा रहा, हर जगह ट्रैफिक मिल रहा है कहीं भी जा रहे हैं तो। ओहो भाई तो पहुँच गए यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से 4 मीनार, बट रास्ते ऐसे ट्रैफिक जाम है ना कि दिखा रहा 2 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है ना 30 मिनट दिखा रहा है, 30 मिनट लग जाएंगे हमको 2 किलोमीटर कवर करने के लिए, क्योंकि पूरा शॉपिंग वगैरह चल रहा है, पूरा फैमिलीज वगैरह सब लोग है ना अपने घर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। इधर किधर जल्दी बता। ओहो भाई आज तो वाट लग गई, ट्रैफिक गंदा वाला ट्रैफिक जाम हो रखा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हल्लू हल्लू सच्चाई में बदल रहा हूँ मैं खाप, शहर हैदराबाद का मैं 5वां मीनार, केड़न एंट्री मार डाला गौरानों के नीचे मार। ओहो एकदम सेंटर में उधर है ना 4 मीनार है, तो भाई 4 मीनार अपने यहाँ से सेफ, मतलब मेरे डिस्टेंस से 4 मीनार 200 मीटर पे है। इधर साइड में देख रहे स्ट्रीट शॉपिंग है, तो इधर आके ना शॉपिंग वगैरह आप मस्त कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब बोले ना तो शॉपिंग करने के लिए ना बेस्ट प्लेस है 4 मीनार। यहाँ पर आओ आप रोड पे पूरे ना स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह आप ये सब सारे आप देख सकते हो यहाँ से। और देखिए 4 मीनार यहाँ से दिख रहा है मेरे को, बाकी इधर देख रहे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो कि साथ साथ देख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद आ रहा है, मतलब कि ऐसा नज़ारा आपको देखने को ना फेस्टिवल के टाइम पर ज़्यादा मिलता है थोड़ा सा आपको, मतलब कैमरे में ऐसा लग रहा है कि दूर से, थोड़ा पास चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं पास से, तो और भी प्यारा आपको नजर आएगा 4 मीनार जो कि हैदराबाद का शान है भाई। 4 मीनार और हैदराबादी बिरयानी क्या बोलती जनता, तो फुल पावर में भाई आ गया है हैदराबाद 4 मीनार। मतलब ये जो है कि 4 मीनार हम दूसरी या तीसरी बार ऑलमोस्ट हम आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या दूर पड़ता तो ज़्यादा आना होता नहीं है, और इधर अगर आएँ तो पूरा दिन एक दिन मतलब इधर आपको चला जाता है 4 मीनार में, लेकिन मज़ा आता भाई। तो भाई आ गए पार्किंग में, मस्त गाड़ी पार्क कर देते तो क्या होगा ना, आप लोग भी आते हैं पार्किंग में पार्क करो तो गाड़ी सेफ रहेगी, क्योंकि 10-20 रुपये में कुछ नहीं जाता यार, क्योंकि गाड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ हमेशा पार्किंग में पार्क करूँ ताकि गाड़ी यहाँ पर सेफ रहेगा। तो इधर पार्क कर देते हैं मस्त, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। बाकी यहाँ पे ना कैमरा सेटअप हो रहा है, शूट करने वाले नॉर्मल ब्लॉग जो है ना हम लोग इस कैमरे से शूट कर रहे हैं, और शिवाकांत भाई यहाँ पर पूरा कैमरा सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरा पेटी वेटी खुला हुआ है तो मस्त। और रोहन अपना भाई यहाँ पर साथ में, तो हम लोग साथ में रहेंगे तो रोहन अपना BTS रिकॉर्ड करते रहेगा कैसे हम लोग क्राउड में करेंगे, तो ऐसा कभी इससे पहले किए नहीं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा कैमरे से शूट करें ब्लॉग, बाकी तो फ़ोन GoPro से नॉर्मली शूट करते, इस बार हम लोग इस वाले कैमरे से शूट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट, फिर आपको दिखाते हैं। हैदराबाद शहर का मैं स्ट्रीट सेलिब्रिटी, ओटीडी की स्लैंग लेके आया MTV, IHS की हिस्ट्री में है चुआड़ी फिल्म। गल्ले गल्ले गैंग पूरा लेके आजा, हम सब साथ में चिल करेंगे गल्ले गल्ले, नेशन ऑथेंटिसिटी का बिरयानी के नाम पे सब खाते पुलाव, असल बिरयानी खाने का है तो हैदराबाद तू आओ, आते आते सफर की वजह से सिर में दर्द हुआ तो चिल करेंगे गल्ले 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 गल्ले। चार मीनार के बाजार का हर सेलर एक इस बात बोलता, हेलो मैडम इधर मिलता है डिस्काउंट, इज्जत पिंगा तो डबल इज्जत देते, मोटा बरी बताते कुछ जेब में रखे।